कांग्रेस ने क्या किया। अरे भैया पूछो ना, कांग्रेस ने भाई साहब इतनी जागती की कि बकायदा भाई साहब दो दो बार चुनाव हार गई और जागती भाई साहब हैरान हो गए, सूली पर लटक गई। कहा बताया भाई साहब, बाराबंकी जंपर से बहुत बड़ा बयान है, पसमानदा समाज के भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष वसीम रही की बातें सुनिए, हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस वाले बाप बाप बोल बैठेंगे। वैसे भाई साहब इनको मोदी जी से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी खुद है, सुन लो। देखिए कांग्रेस ने जो बैकवर्ड पसमानदा मुसलमान है इनके साथ 10 अगस्त 1950 में एक राष्ट्रपति से 341 आर्टिकल 341 पर एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी कराकर उसमें ये कहा गया कि जो नॉन मुस्लिम है सिर्फ हिंदू हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो आरक्षण था वो जात और काम के आधार पर था, धर्म के आधार पर नहीं था, सभी के लिए था संविधान में। लेकिन कांग्रेस ने जो जाति की थी मुसलमानों के साथ और बाद में बौद्ध धर्म को इसमें शामिल कर लिया और ये सिख लोगों को शामिल कर दिया, लेकिन ईसाई मुसलमान आज 70 साल के बाद भी वंचित। तो भैया पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने सुना, वसीम रहीम क्या बोले भाई साहब, आज तक बताओ मुसलमान भी पीछे रह गया, साथ में ईसाई भी पीछे रह गए। तो भैया इनका उद्देश्य यही है कि देखो मोदी जी, देखो सबका साथ सबका विकास का नारा दे दो तो हमारा विकास करो। इससे हमारे बैकवर्ड मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो लोग उनको उसमें फायदा मिलना चाहिए। आज इतने लोग हमारे एमपी एमएलए प्रमुख होते जो 70 साल एक अरसा होता है निकाल दिया कांग्रेस। देखिए केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक तलाक है और बहुत से फैसले इतने लिए हैं कि किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं ऐसा फैसला लेने के लिए। तो हमारी उनसे मांग है, बड़ी उम्मीद भी है कि ये जो कांग्रेस का धब्बा लगाया हुआ आर्टिकल 340 का है इसको वो हटा दें और सबका साथ और सबका विकास का जो उनका नारा है वो तभी पूरा होगा जब उसमें बैकवर्ड मुसलमानों को, जो दलित मुसलमान हैं, जो वंचित हैं, उनको भी इंसाफ मिले। अरे भैया आगे सुनो, आगे तो वसीम रहीम बोले कि देखो भैया, देखो हमको तो सत्ता में भागीदारी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, तो सुनिए क्या बोले। अतना भाई साहब गजब से बोले कि क्या बताएं, बेचारे विपक्ष वाले भाई साहब दौड़ दौड़ कर आएंगे। अगर बैकवर्ड मुसलमानों, हमारी तो मांग है कि अगर सरकार हम लोग की मांग अगर मानती है तो हम तो सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे हैं और सत्ता में हिस्सेदारी जो भी देगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। अरे आगे भैया हमने पूछा कि आप तो सपा का समर्थन करते हैं तो मोदी जी का साथ काहे दे रहे हैं, आप तो सुनिए क्या बोले। कहा भैया केंद्र में सपा की सरकार थोड़ी ना बन पाएगी। केंद्र सरकार तो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है हटाने का, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। तो भैया सूबे उत्तर प्रदेश और जिला बाराबंकी से वसीम रही ने ऐलान कर दिया कि देखो भैया, देखो हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए और बकायदा भाई साहब पिछड़ों को आगे लाना। फिलहाल बाराबंकी जंपर से उत्तर प्रदेश के एबीसी न्यूज़ 4 की बात, शेयर करना खतरनाक भूलेगा, पर भाई साहब बाराबंकी जब हमने सियासत गर्म होती जा रही है।